राजधानी रांची के एचईसी और मेकॉन अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधाओं में हो रही समस्या की सूचना के बाद निरीक्षण करने पहुंचे रांची के सांसद संजय सेठ ने अस्पताल में मरीजों को इलाज व सुविधाओं में कमी पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि कई विभाग में कार्य बंद हैं और यहां की स्थिति काफी दयनीय है, इसलिए प्रबंधन से बात करते हुए इन समस्याओं के समाधान पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मरीजों का त्वरित इलाज हो, इस पर अपनी ओर से पदाधिकारियों और संसद के समक्ष बात रखने की आश्वासन दिया। किसी कर्मचारियों की शिकायत थी कि भाई चिकित्सा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं, और जब हम स्कूल डेज में पढ़ते थे ना सेंट जॉन्स में, तो एचईसी का हॉस्पिटल और मेकॉन का हॉस्पिटल का बहुत नाम होता था। हम सब देखने आते थे भाई इतना बड़ी हॉस्पिटल है, और अभी लगातार शिकायत आ रही है कि एचईसी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, ना ओपीडी, एक्सरे, फिजियो, कोई डेंटल, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और जबकि एचईसी का इतना बड़ा हॉस्पिटल पारस होता था, जो अभी जो पारस है, लेकिन पारस को तो उन्होंने वो सेल आउट कर दिया कि पारस के नाम से हो गया। अब वहां पे पारस में कोई कर्मचारी अगर इलाज कराना जाता है तो उसको तो फिर तो निजी हो गया ना। वहां कोई सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, जो भारत सरकार के अधीन के जो कर्मचारी हैं, जो उस आधार पे जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो तो मिलनी नहीं है। वहां तो पैसा देखो, तमाशा देखो, यहां से होता है तो कुछ लाने है, तुरंत रिम्स चला जाता है। तो एचईसी के कर्मचारियों को और जो लोग रिटायर हो गए, ऐसे हजारों हजार लोग, 20 से 25 हजार लोग, उनको भी तो सुविधा देनी है। अब वो बूढ़े कहां जाएंगे, यहां यही की आश्रत है, तो यहां तो कोई सुविधा ही नहीं है। आप देखो कि एक्सरे रूम बंद है, फिजियो का हालत वो खराब है, फार्मेसी बंद है, नर्सिंग कॉलेज बंद है। आप इसका बहाना नहीं कर सकते, कोविड काल है, कोविड काल में तो हॉस्पिटल और बढ़िया खुल रहा है। तो स्थिति बहुत दयनीय है। हम प्रबंधन से बात करेंगे कि भाई अगर ऐसे जो 5-6 हजार अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो गई यहाँ लाए, इलाज तो संभव नहीं है। तो फिर या तो आप रिम्स जाओ, रिम्स में हजारों की भीड़ रहती है, पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, पारस जाओ तो पैसा दो। तो ये स्थिति है, इस संबंध में बात करेंगे कि भाई कर्मचारियों को पूरी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको पूरी सुविधा मिले, क्योंकि हॉस्पिटल की स्थिति देख के आपको नहीं लगेगा। ये बताएं उन्होंने कि जो सीएमओ है कि पहले ये बच्चियों का स्कूल होता था, जी जी, उसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो पारस को दे दिया जी, बेच दिया 5 साल पहले, और इसको आनंद खानन में, क्योंकि खाना नियम में है जी, कि आपको हॉस्पिटल रखना है, हॉस्पिटल का नाम में बोर्ड टांग दिया कि खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति हो गई। स्थिति तो हम खुद देख रहे हैं कि स्थिति यहाँ पे, तो इस समय जरूर हम इस पे कड़ा रुख लेते और प्रबंधन, और जरूरी हुआ तो हम, अभी तो 2 दिन बाद संसद सत्र शुरू हो रहा है, हम माननीय मंत्री जी से, जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और उनसे, और मेघवाल जी हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं हैवी इंजीनियरिंग के,